आप अगर सीरियल देखती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ पर? हाँ, मेरे को थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर पसंद है, तो उसी हिसाब से मुझे जैसे स्वरांगिनी वगैरह जो आता था उसकी ड्रेसअप मुझे ज़्यादा प्रभावित करती है, ज्वेलरी और एवरीथिंग, सारा डांस वगैरह सारा। जी, आजकल का कोई सीरियल ऐसा है जो आपको ज़्यादा पसंद हो, स्पेशली ड्रेसिंग के मामले में? ड्रेसिंग सीरियल्स में जी टीवी के कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग देखती हूँ, तो प्रज्ञा की जो ड्रेसिंग सेंस है मुझे अच्छी लगती है। अरे वाह, सावन के झूलों ने आज मजबूर कर दिया है जारा और कबीर को। अब सावन आता है तो अपने साथ खूब सारी बहार भी ले आता है, तो जारा और कबीर भी कुछ ऐसे ही सावन महोत्सव का हिस्सा बन गए हैं। जो प्यार वो सीरियल में नहीं जता पाए हैं, उसी प्यार को जताने के लिए अब इन्हें मौका मिल गया है सावन महोत्सव में जताने का। मुझे कबीर के शूज सबसे अच्छे लगे, उसके आउटफिट में दे आर वेरी कूल, दे आर नॉट सो कबीर टाइप, दे आर सो अदनान टाइप, है ना, दे वेरी नाइस। और मुझे मेरी ड्रेस में पूरी ड्रेस अच्छी लगी, इट्स अ नाइस ग्रीन कलर। या इंसान की तारीफ करूंगा मैं, बोल नहीं, इतना अच्छी एक्ट्रेस है, देखो उसकी शक्ल, देखो सच ए लवली एक्ट्रेस है, सच शी इज वेरी नाइस टू वर्क विद। मैं आई विल बी ऑनेस्ट, वी बोथ आर नॉट डांसर्स, वी आर नॉन डांसर्स बट वी बोथ लाइक डांसिंग। And we had so much just fun. Wait and watch next year तक मैं क्या कर रही हूँ ना। I know this. You don't need to tell me to wait and watch. I know she won't. इश्क पर दिल और जान कुर्बान है, तभी तो आज सावन को साक्षी मानकर कबीर और जारा साथ फेरे ले रहे हैं। इनके प्यार को आज मुकम्मल जहां जो मिल गया है। इस रोमांटिक कपल को देखकर सावन के महीने में आप भी खूब रोमांटिक हो जाएंगे। भाग्य में सावन के महोत्सव में हम आए हैं कुमकुम भाग्य में, और दोनों परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ वेरी लवली पद्मावती सॉन्ग। जो सात वचन होते हैं फेरों में, पहले जो लड़की लीड करती है उसका लड़का करता है, वो हमने बताया कि क्या क्या होते हैं और क्या बोलता है लड़का और क्या लड़की एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। ऑल देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा, इट्स ऑल मैरिज इन द एंड, वन वे और दी अदर। दोनों उधर निकाह होगा तो आप कहेंगे कि शादीशुदा है, इधर वचन लेंगे तो आप कहेंगे शादीशुदा है। आप देख रहे हो कितनी मेहनत की, पसीने टपक रहे, लिटरली इसको टपक रहा है। जारा और कबीर की मदहोशियों को देखने के बाद आप चलिए हमारे साथ नई नवेली बहुरानी दीपिका के पास, जिनका दिल राजी है खूब धमाल मचाने के लिए।
इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के बाद बन्नो ससुराल भी जाएगी, ऐसा उसका कहना है। डांसिंग के किंग और क्वीन भी यहाँ पर हैं, यानी कि अभिगेल और सनम, जो अपने प्यार को यहाँ पर नाम देने आए हैं। इतना सब देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि ये धमाकेदार एपिसोड जल्द ही आपको सावन महोत्सव में देखने मिलेगा, कुमकुम भाग्य के स्पेशल एपिसोड में। तो कुमकुम भाग्य के सारे फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि एक ही शो में आपको छोटे पर्दे के तमाम सितारे नजर आएंगे परफॉर्म करते हुए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।